Question at here, appendix number 1, alpha and beta are such acute angles that sin alpha equal to sin beta, let us prove that alpha equal to beta. Assalamualaikum friends, dear students, welcome to our channel Math Study WP. आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 23.1 पेज नंबर दिया 293. अब 200 पेज नंबर में क्यों दिखा रहा हूं डियर, क्योंकि उसमें एक एप्लीकेशन है. एप्लीकेशन नंबर 1, अल्फा एंड बीटा आर सच एक्यूट एंगल्स दैट साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा, लेट अस प्रूव दैट अल्फा इक्वल टू बीटा. डियर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज तो 23.1 लिखा हूं, लेकिन डियर उससे पहले जो एप्लीकेशन है उसको मैं चाहता हूं मैं आपको दिखा दूं, इसीलिए कि एग्जाम के लिए आपको गारंटी नहीं है क्या आपके सिर्फ एक्सरसाइज से ही पूछे जाएंगे. आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं. तो डियर आप और हमको चाहिए कि हम इस सिलेबस को पहले समझें. सिलेबस क्या है? एमसीक्यू इसी ट्रिग्नोमेट्री से. ट्रिग्नोमेट्री से डियर एमसीक्यू एक पूछे जाएंगे. अब नंबर तो एक है, कहने के बाद अगर बोले तो एक नंबर क्या है, और एक एक नंबर करके छोड़ दिया तो बहुत सारा नंबर छूट जाएगा. इसलिए किसी भी टॉपिक्स में ये ना समझे कि एक तो नंबर ही है, क्या इतना मेहनत करेंगे. डियर इसको कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. थ्योरी जब पढ़िएगा, थ्योरी के साथ साथ जब एप्लीकेशन और सॉल्व कर लीजिएगा ना, ये एमसीक्यू जो है ये आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा. साथ में डियर फिर से पहले खाली जगह भरने के लिए आता है, वो भी एक नंबर के लिए है. उसके बाद ये TNF ट्रू एंड फॉल्स, ये भी एक नंबर के लिए है. उसके बाद शॉर्ट आंसर डियर, शॉर्ट आंसर अगर क्वेश्चन पेपर में देखा जाए तो 20 मार्क्स का आता है. कहाँ से आता है ये सब जो जो देखने में तो सिर्फ ऐसे यहाँ चार नंबर है, लेकिन डियर सारे टॉपिक्स को मिला करके 20 मार्क्स. समझ रहे हैं बात को? 20 मार्क्स. और हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एल लॉन्ग आंसर दिखा दिया जाता है, बस हो गया. डियर जहाँ जो तैयारी कर रहे हैं, मैं आप लोगों को ये पर्सनल सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप छोटे छोटे नंबर्स को बिल्कुल एकदम एहतियात के साथ ध्यान रखें. लॉन्ग आंसर कोई दिक्कत नहीं है, आप एक साथ कर लीजिएगा, लेकिन हाँ वहाँ भी एक प्रॉब्लम आएगी कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो यहाँ लॉन्ग आंसर में आपको दिखा रहा हूँ 11 नंबर है टोटल, 3+3 यानी 3+3+5. अब यहाँ 3 और 3 6 नंबर आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो बाकी एक्सरसाइज है इससे मिलेगा, और 5 नंबर हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर है वहाँ से आपको 5 नंबर मिलेगा. 5 नंबर का मतलब है डियर के बाद 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 में से आपको 1 देना है. अब जरूरी नहीं है कि दोनों क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज दिया जाए, एक्सरसाइज ही नहीं रहता, कभी कभी एक्सरसाइज से बाहर भी आते हैं, मैं एप्लीकेशन से उठा के दे देते हैं. तो डियर अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज भी करते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन और बचता नहीं है. अगर आप एप्लीकेशन को भी कर लेते हैं तो जो और में है, हो सकता है अगर उस वक्त आपको एक्सरसाइज वाला दिमाग में ना आए तो आप एप्लीकेशन को वहाँ ले सकते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, वरना ऑप्शन आपके पास फिर है नहीं. इसी तरीके से यहाँ 3 और 3 जो 6 नंबर है, हो सकता है कि एक मैथ्स आपको एक्सरसाइज से मिल जाए. कितने एक्सरसाइज हैं? 23 का शायद 1 2, इस तरह से 3 4 जो भी है, उसके बाद 24 है, 3 है इसमें, 3 है, 24 में शायद 1 2 है. इतने सारे मिला करके डियर आपको 2 आंसर देना है, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. क्या जरूरी है कि आप 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज से पूछे जाएंगे, और 3 में से आपको 2 देना है? समझने की कोशिश करना डियर. तो इसीलिए एप्लीकेशन को ना छोड़ें. तो मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन दिखा रहा हूं जो क्या कह रहा है कि अल्फा और बीटा जो है ये दोनों जो है एक्यूट एंगल्स है. एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? चलिए इसको एक बार समझ लें. एक्यूट एंगल डियर एक हम लोग एक चलिए इस तरह से एक ट्रायंगल लेते हैं. एक्चुअली देखिए ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल में ये जो है दिया 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री हो गया, और बाकी ये दोनों एंगल्स को एक्यूट एंगल कहते हैं. बाकी दोनों एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं. यहाँ कह रहा है कि एक जो है एक एक्यूट तो एक किसी एक को मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक्यूट एंगल इसी को मान लेते हैं. तो ये अल्फा है डियर, ये बोला अल्फा है. समझ में आ रही बात? कोई भी हम दोनों में से एक को एक्यूट मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. एक 90 का तो हम बता देंगे 90 डिग्री का है. अब क्या बोल रहा है कि सच इस तरह से एक्यूट एंगल्स दैट साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा.
अब साइन बीटा कभी भूल मत कीजिएगा कि यहां वाला तो हम साइन बीटा मानेंगे नहीं डियर, क्या करेंगे एज से इसी तरीके से एक और एंगल है, एक और ट्राइंगल है, यहां भी 90 डिग्री का है। अब यहां माने यहां माने, चलिए यही मान लेते हैं, इसका भी यहां लिखा है कि बीटा साइन बीटा, क्या लिखा है साइन अल्फा और यह साइन बीटा, बोल रहा है कि ये दोनों एक्यूट एंगल जो है ये दोनों बराबर है, लेट अस प्रूफ दैट अल्फा इक्वल टू बीटा। तो आपको साबित करना है, प्रूफ करना है कि ये दोनों बराबर है। तो डियर इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन एस ओ एल एन शॉर्ट पर लिखता हूं डियर, सब अपने में आदत है। तो चलिए मैं इसको कभी कुछ और ना समझ लें, सबसे पहले क्या करेंगे डियर, हम साइन ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल लेंगे ताकि पहचान चले कौन सा ट्रायंगल, तो नाम ले लेते हैं डियर, इसको नाम लेंगे ए बी सी। अब इसका कोई भी एक नाम ले लें, अब ए बी सी ले तो ए बी सी इसमें नहीं ले सकते, इसके अलावा कुछ और नाम ले लीजिए, तो एक्स वाई जेड ले लेते हैं, क्या दिखा था एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, मैं जरूरी नहीं कि मैं एक्स वाई जेड लिया तो सिर्फ एक्स वाई जेड के जरिए ही प्रूफ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए तो ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, अल्फा वाला ले लेंगे ट्रायंगल, कौन ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी ले लिए। आप क्या देखिए कि ए बी सी एंगल, एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या 90 डिग्री है, वेरी गुड 90 डिग्री। अब हम यहां एक चीज देखा डियर कि ए बी बी सी ये सब है इसमें, ये भी एक साइड है, ये पेपरडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। चलिए आगे क्या करेंगे इसका डियर, नेक्स्ट अगेन क्योंकि हम दोनों को प्रूफ करना है, तो ट्रायंगल क्या लेंगे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड डियर इसको तो समझने की कोशिश करें, सेम इसको हेडिंग दे देंगे एंगल एक्स वाई जेड, क्यों बोलेंगे एक्स वाई जेड, क्योंकि 90 डिग्री कहां बना है इसमें, तो चलिए यहां भी लेंगे एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 90 डिग्री। अब डियर एक चीज देखिए, फिर मैं इसमें आ रहा हूं अल्फ ए सी बी, समझ में आया क्यों सी को बीच में लिया, क्योंकि एक एंगल है, तो यहां लिखेंगे फिर एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या अल्फा है, अल्फा लिख दिया। अब देखते हैं फिर इसमें आते हैं एंगल क्या है डियर, यहां देखिए एक्स जेड वाई या वाई जेड एक्स कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम एक्स जेड वाई लेंगे, एक्स जेड वाई इक्वल टू बीटा, बात आ रही समझ में डियर। तो सर टाइम देखो, टाइम कितना पड़ेगा समझने के लिए, वक्त देना बहुत जरूरी है डियर, मैं नहीं कहूंगा कि दो सेकंड में क्लियर हो जाएगा, एक सेकंड में क्लियर हो जाएगा, ये मुझसे नहीं होगा, मैं चाहूंगा कि आप लोग कंसेप्ट क्लियर करो। अब इसको समझने की कोशिश करो डियर कि यहां एक चीज बोला है कि जब ये दोनों बराबर है तो कैसे बराबर होगा, हमको ये प्रूफ करना है। तो ये साइन क्या, साइन अल्फा है और ये साइन बीटा है, यह एक चीज प्रूफ कीजिए डियर, ए बी समझिए कुछ, ए बी, ए बी इक्वल टू ये परपेंडिकुलर जितना होगा ये एक्स वाई के बराबर होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर सेम होगा, तो हम लिख सकते हैं कि नहीं ए बी इक्वल टू एक्स वाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब अगर ए बी इक्वल टू एक्स वाई लिखते हैं तो इसके साथ एक कॉन्स्टेंट होना चाहिए डियर, और वो कॉन्स्टेंट क्या मानते हैं हम लोग इसमें, के। अब अगर आप इस तरह से लिखना चाहें, कह रहे हम इस तरह से नहीं मानेंगे, हम क्या करेंगे एक्स वाई इक्वल टू ए बी मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं डियर, तब भी सही है, तब भी सही है, तब फिर क्या करेंगे इसके साथ के मानेंगे, ए बी के साथ, आपकी चॉइस है, कैसे मानेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, चाहे इन दोनों पर, लेकिन जिसको जिसके बदले में मानेंगे डियर उसके साथ एक कॉन्स्टेंट लगा दीजिएगा, वो कॉन्स्टेंट के है, कॉन्स्टेंट मान ही समझते हो कि वो फिक्स्ड मुअय्यन, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ साथ में है। तो
चलो हम लोग ए बी को ले लेते हैं। उसके बाद क्या दिया, जब परपेंडिकुलर बराबर है तो ये कह रहा है कि बी सी, बी सी इक्वल टू वाई जेड, वाई जेड। फिर क्या करेंगे, एक के कांस्टेंट मान लेंगे। अब आते हैं हाइपोटेन्यूज पर, ए सी, ए सी इक्वल टू एक्स जेड, एक्स जेड। फिर क्या करेंगे डियर, यहां के कांस्टेंट मान लेंगे। क्लियर? नाउ साइन अल्फा को ले लेते हैं डियर। अभी साइन अल्फा में एक चीज देखिए, साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या है, पी बटे एच, साइन अल्फा पी बटे एच। तो वी नो हम लोग बस क्या नहीं है, पी तो है और एच भी है, क्या नहीं है पता, बी पता नहीं। तो जब पी पता नहीं है तो पैथागोरस के पास आएंगे, पैथागोरस से पूछेंगे कि हमको बी दीजिए, तो ऑटोमेटिकली वहां से हमको फॉर्मूला से बी मिल जाएगा। तो जब इसका भी पता करना है तो इसका ही भी पता करेंगे। तो डियर फॉर्मूला क्या है, एसी, तो एसी के बदले हम क्या लिखेंगे, एच, और ये एबी के बदले में क्या लिखेंगे, पी, और बीसी के बदले में लिखेंगे डियर बी, एस एम यहां बी, इसके बदले में लिखेंगे पी, और इसके बदले में लिखेंगे एच, और इसके बदले लिखेंगे बी। बताए समझ में डियर, तो वी नो, तो एसी का मतलब क्या लिखेगा, एच, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर डियर हमको क्या लेना, बी निकालना है, क्योंकि पी और एच तो पता है, हमको बी निकालना है। तो बी निकालेंगे अगर, तो बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस में लगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस, इधर तो प्लस में ही भी है पी है सॉरी, तो पी स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, और सॉरी यहां तो प्लस में ही था ना, इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये प्लस में ऑलरेडी पी है, तो यहाँ प्लस में होना। सॉरी डियर कभी कभार हो जाता, बोलते कुछ और लिखते कुछ और, तो आप लोग देखिएगा ये चीज़ को ख्याल से, तो जहाँ तक हमको नजर पड़ जाती है हम उसको सुधार लेते हैं, लेकिन बोल सही देते हैं, कभी कभार लिख उल्टा देते हैं, ये अपने साथ वो हो ही जाता कभी कभार। तो डियर क्या करेंगे, माइनस में यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो एच स्क्वायर प्लस माइनस माइनस पी स्क्वायर, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या बचेगा, बी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये स्क्वायर हटा दिए तो यहाँ के क्या रूट चल जाएगा डियर। तो ये बी जो आया ये किसका आया, साइन का, साइन का आ गया। अब ये क्या करेंगे, सेम लिखेंगे इसका साइन, सॉरी साइन बीटा का, तो ये साइन अल्फा आ गया, ये साइन बीटा की बात अब चल रही है, साइन बीटा का डियर फिर वही सेम चीज होगा, क्या है इसका फॉर्मूला, पी बटे, पी बटे एच। तो वी नो, वी नो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप यार जो एच स्क्वायर का, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, जैसे यहां लिखे डियर, सॉरी एच स्क्वायर क्या है, हमको क्या बी ना निकालना है, तो इधर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या है डियर देखिएगा, एच स्क्वायर प्लस में जाके माइनस एच स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे, तो एच स्क्वायर प्लस माइनस माइनस पी स्क्वायर, तो माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब सवाल ये उठता है कि हम निकाले क्यों इस तरह से, एक सवाल उठता है कि देयर ये बीटा का है और ये अल्फा का है, बता रहे समझिए, बीटा या अल्फा का। अब क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या चला जाएगा, इधर को चल जाएगा, याद है, क्लियर डियर। अब क्या करना है, ये बी तो इसके लिए है डियर, और ये फॉर्मूला का पी एच है, चलिए इसको हम एक लाइन लेते हैं। अब हमको प्रूफ करना है डियर कि ये अल्फा इक्वल टू बीटा है, अल्फा इक्वल टू बीटा, अब दोनों को कंबाइन कर लेंगे, यानी साइन और साइन बीटा, साइन अल्फा और साइन बीटा, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, देन साइन अल्फा बटे साइन बीटा इक्वल टू, आप यार इसका देखिए ये बी की वैल्यू, ये लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये अल्फा के लिए है ये, तो अल्फा के लिए आगे क्या दिया है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट बटे
ये रहेगा डियर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहाँ भी सॉरी सॉरी थोड़ा सा नीचे करना है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट। अगली चीज आप ध्यान दीजिए, साइन साइन कैंसिल कर सकते हैं, तो साइन साइन कैंसिल कर दीजिए, क्या बचेगा अल्फा बटे बीटा इक्वल टू। अब यह देखिए कि डियर के एच एच की वैल्यू क्या है, अगर हम पहले साइन का है तो साइन में आते हैं पहले इस अल्फा में, सॉरी साइन अल्फा है तो साइन अल्फा में आते हैं, एच क्या है एसी, वेरी गुड, चलिए एसी लिख देते हैं, एसी होल स्क्वायर माइनस पी क्या है ये परपेंडिकुलर ए बी, चलिए ए बी लिख देते हैं ए बी, और इसमें एक सॉरी थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा बटे बटे में डियर आप देखिए यहां बीटा का, बीटा का एच की सिंबल क्या है, एच क्या है एक्स जेड, यहां लिखेंगे एक्स जेड होल स्क्वायर माइनस, अब क्या है डियर ए बी बीटा का ए बी सॉरी बीटा का, बीटा का क्या सॉरी पी क्या है, ये तो बीटा का नीचे है ना, तो एच के बदले में एक्स दे रहा है माइनस का माइनस, और पी क्या है इसका एक्स वाई, यहां लिखेंगे एक्स y होल स्क्वायर, यहां तक डियर क्लियर। अब तो समझिए कोशिश करेंगे, यहां सॉरी ये क्या रूट रूट देना है डियर, ये कभी कभार सब चीज कहा छोड़ देते हैं समझ में नहीं आ रहा, इस रूट दे दिया डियर। अब हमको करना क्या है कि इन दोनों को देखिए यहां जब बराबर लिखे इसको ये सब करने के बाद भी लिख सकते थे, मैंने पहले लिख दिया था, चलिए अब ए बी बी सी ए सी देखिए ए सी आया एक्स जेड आया एक्स वाई आया ए बी आया। अब एक चीज समझिए क्वेश्चन आ रही, अब इसको कन्वर्ट इसमें करा है या इसको कन्वर्ट इसमें करा है, तो मैंने भी कन्वर्ट किया यार ए बी को मुझे ये लेके आना है एक्स वाई लेके आना है ए बी के बदले में, ए बी के बदले में, तो ए बी के बदले में लेके आना है यार, तो हम क्या करेंगे अल्फा बटे बीटा इक्वल टू, तो क्या है अभी ए सी, ए सी मतलब क्या लिखेंगे डियर के के इंटू एक्स जेड, एक्स जेड अभी हॉल स्क्वायर ही रह जाएगा माइनस किसके बदले लिख रहे हैं ए सी के बदले में माइनस का माइनस ए बी, ए बी के मतलब क्या लिखेंगे डियर के इंटू एक्स वाई होल स्क्वायर, सॉरी बहुत दूर हो रहा है, अब इसमें क्या जाएगा अंडर रूट, अब बटे में आते हैं, बटे में सेम जैसा है क्योंकि एक को कन्वर्ट करना है, सिर्फ एक को कन्वर्ट करना है, याद रखिएगा इस बात को। अब क्या करेंगे ये जिस ऐसे उतारेंगे एक्स जेड, थोड़ा सा नीचे लिखें एक्स जेड होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर अंडर रूट, आई होप डियर आपको यहां तक समझ में बात आ गई होगी, समझे क्वेश्चन क्या किया डियर, मैं एक चीज यहां समझाने का आप लोगों को कोशिश करना चाहूंगा, ये चीज क्या की साइन अल्फा साइन बटे में क्या किया साइन बीटा लिख दिए, और साइन अल्फा का जो वैल्यू आया रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिख दिए, और उसके बटे में ये आ गया रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिखिए। अब क्या किया डियर अल्फा में आते हैं, अल्फा में एच की जो साइड है एच हाइपोटेन्यूज क्या नाम दिए ए सी नाम दिए हैं, तो उसके बदले में क्या लिख दिए एच के बदले में ए सी लिख दिए, स्क्वायर हर स्क्वायर हो गया माइनस का माइनस, अब पी साइड डियर परपेंडिकुलर क्या नाम दिया ए बी, तो ये भी लिख दिया हर स्क्वायर, अब बटे का साइन था बटे का साइन दे दिए। अब डियर देखिए अब बीटा का एच क्या एक्स जेड, तो बीटा का एक्स जेड हर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है सॉरी यहां, अब माइनस का ये माइनस का माइनस, अब देखते हैं कि पी इसकी जगह क्या है एक्स वाई, तो पी के जगह में एक्स वाई हर स्क्वायर क्योंकि ये पी पी स्क्वायर है हर स्क्वायर। अब दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट करना है डियर क्योंकि बराबर है,
ये दो इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर में ये है, तो हम किसी एक को कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, एक बी के बदले में हम लिखेंगे के इंटू एक्स वाई, बी सी अगर है तो बी सी के बदले में के लिखेंगे के इंटू वाई जेड, अगर ए सी है तो ए सी के बदले में लिखेंगे के इंटू एक्स जेड। तो अभी क्या किया देखें, ए सी है तो ए सी के बदले में क्या लिख दिए ए सी, के इंटू एक्स जेड तो ए सी के बदले लिख दिए के इंटू एक्स जेड होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दिए, माइनस का माइनस ए बी है, ए बी के बदले में क्या लिख दिया यार ए बी के इंटू एक्स वाई, के इंटू एक्स वाई होल स्क्वायर। अब बटे का साइन था, बटे का साइन यहाँ दे दिए, अब नीचे वाला चेंज नहीं करना, किसी एक को कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करना, नीचे एस से उतार दिया हम, देखिए डियर। तो डियर अब क्या करेंगे, यहां से हम के कॉमन निकालेंगे, तो के अगर निकालते हैं तो देखिए यहां से भी क्या आ जाएगा, तो के अगर बाहर निकल जाए तो के साथ स्क्वायर भी है तो स्क्वायर और रूट एक साथ कट जाएगा, ये बचपन में सीख लिया हम। तो जब के निकल जाएगा तो बचेगा क्या, समझने की कोशिश करें, तो बचेगा क्या के एक्स जेड, वेरी गुड, एक्स जेड माइनस, चलिए स्क्वायर तो स्क्वायर कर देते हैं, और क्या इसके बाद देते हैं के तो निकालिए कॉमन, तो माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर। अब इसमें क्या जाएगा रूट, अब बटे आइए दिए, सॉरी एक चीज देखिएगा हम गलती क्या कर रहे हैं, ये लिखना पड़ेगा ये अल्फाबेट बीटा, अल्फाबेट बीटा ये बराबर है डियर, सॉरी इसको खा लगेगा थोड़ा सा जगह एडजस्ट करेंगे, मिटा देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमको प्रूफ करना है, हम कोशिश कर रहे हैं कि एडजस्ट करने की, थोड़ा सा परेशानी है देख लीजिएगा। अल्फाबेट बीटा ये चीज यहाँ लिख दिए, इक्वल इक्वल, और के को कॉमन ले लिए तो के को यहाँ लिख दिए, क्या बचेगा एक्स जेड, तो एक्स जेड होल स्क्वायर, अब स्क्वायर के साथ अभी स्क्वायर रह जाएगा क्योंकि के को निकाले तो के पर स्क्वायर भी था और रूट भी कर गया, ये हवाई हवाई में काट दिए, हवाई हवाई वातावरण ने हवाई में काट भी दिए हैं, चलिए माइनस का माइनस एक्स वाई का एक्स वाई होल स्क्वायर होल स्क्वायर, नीचे जैसा है तो डियर वैसे बता लीजिए, एक्स जेड होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर अंडर रूट। आप दिया देखने की समझने की कोशिश करें, एक्स जेड होल स्क्वायर, एक्स जेड होल स्क्वायर माइनस माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर, एक्स वाई होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, एज सेम, तो जब सेम है ओ सॉरी यहां देखिए फिर बना के भूल गए, होल स्क्वायर होगा तो सेम है, तो इसको हम क्या करेंगे उड़ा देंगे, उड़ाने का मतलब समझ रहे हैं, भाषा अलग है मतलब वही है, ठीक। तो क्या बता दिया, अल्फाबेट बीटा, अल्फाबेट है बीटा, अब बराबर में कॉन्स्टेंट है तो ये तो समझ रहे हैं कि बराबर में जब के आया तो के इज कॉन्स्टेंट, के इज कॉन्स्टेंट, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ के आते हैं कि जब के को हम लोग कॉन्स्टेंट मान लिए तो वो कुछ नहीं है, वो कॉन्स्टेंट है। अब जब हम लोग अल्फाबेट बीटा आया, जब हम लोग कोई चीज एक एग्जाम्पल में देना चाहूंगा फिर से आप लोगों को, कि जब हम लोग 3:2 लिखा रहता था रेशियो प्रोपोर्शन में देखिएगा, तो उसको क्या हम लोग 3/2 नहीं लिखते थे, लिखते थे नहीं रेशियो प्रोपोर्शन में देखिएगा, कि जब रेशियो में लिखते थे उसको हम लोग बटे में लिखते थे, प्रोपोर्शन में लिखते थे, ऐसे में भी देखिए अल्फाबेट बीटा है तो अल्फाबेट बीटा को क्या इस शक्ल में नहीं लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा है, रेशियो का मतलब इक्वल, ये भी हम लोग जानते हैं प्रोपोर्शन यानी इक्वल, तो अभी इससे साबित होती है अल्फा इक्वल टू बीटा है, क्यों अल्फा इक्वल टू बीटा है, क्योंकि इससे साबित होता है कि x, y ये भी इसके बराबर में, ये भी के बराबर में है, और बी सी एक्स जेड के बराबर में है, और x, z ए सी के बराबर में है, तो फिर एंगल के बराबर नहीं होगा, तो ये दोनों एक्यूट एंगल क्या है, दोनों बराबर है डियर। अब कितना डिग्री का, अगर 30 डिग्री का होगा, अगर 60 है तो 60 डिग्री का होगा, एक डिग्री नहीं मांगा, ये सिर्फ प्रूफ करने बोला है कि अल्फा इक्वल टू बीटा है कि नहीं, ये आपको प्रूफ करना है। तो डियर अभी एप्लीकेशन नंबर 1 मैंने आप लोगों को प्रूफ करके दिखा दिया, इसी तरह से बाकी एप्लीकेशन को भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तब फिर एक्सरसाइज में जाएंगे और एक्सरसाइज को एक बेहतरीन अंदाज में सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे डियर। हो सके तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए पहले, आई होप के डियर आप इसको स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे, और अगर डियर आपको ये
कहीं अगर कंफ्यूजन लगे तो डियर प्लीज जरूर कमेंट करें इसमें, क्योंकि आपको इस चीज का पूरा अधिकार है कि हम गलत तो नहीं पढ़ा सकते ना। कहीं अगर आपको लग रहा है कंफ्यूजन है, कहीं ट्रिक लग रहा है, तो डियर आप कमेंट करें, दोबारा इसमें कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे, कोशिश पे कोशिश करेंगे, ऐसे तो कोशिश लगातार कर रहे हैं। तो डियर अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, और अगर चैनल पे न्यू है डियर तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।